बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासुवचन रवि कर निकर मंगल मूरति सदगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनिमो मारु मार धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। बोलिए स्त्री सगो महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमपुरुष परमात्मा के स्वरूप परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन पद्मों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में उपस्थित परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों भक्तिमती माताओं तथा धर्मशीला बहनों प्यारे बच्चों सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। अभी आपकी सेवा में सत्संग योग के प्रथम भाग से छुरी को परिषद से पाठ श्रवण कर रहे थे। ईड़ा तिष्ठति वामेन तिंगला दक्षिणेन च तयोर मध्ये वरम स्थानम यस्तम वेद स वेदवित। हमारे शरीर में संतों ने कहा कि 72,000 नाड़ियां हैं, एक दो नहीं 72,000 नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में भगवान शंकर ने कहा 101 नाड़ी प्रधान है। उन 101 नाड़ियों में भी 9 नाड़ी प्रधान है। उस 9 नाड़ी में कौन प्रधान है? तो बाकी उस 9 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रधान है। और उस 3 में से कौन प्रधान है? तो कहा कि वह एक प्रधान है जिसको सुषुम्ना कहा जाता है, उसी को सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, उसी को सरस्वती की धारा कही जाती है। तो अभी हम आप सुन रहे थे ईड़ा तिष्ठति वामेन टिंगला दक्षिणेन च। भारतीय संतवाणियों में उसी को इंगड़ा नाड़ी कहा गया। और दूसरी तरफ जो धारा है उसको टिंगला कहा गया। बाई तरफ ईड़ा नाम की धारा है, ईड़ा नाम की नाड़ी है, और टिंगला नाम की धारा, टिंगला नाम की जो नाड़ी है वह दक्षिण भाग में है। और कहा कि त्योर मध्य वरम स्थानम, उसके मध्य में, वरम मतलब श्रेष्ठ होता है, उन दोनों के बीच में श्रेष्ठ स्थान है, श्रेष्ठ नाड़ी है जिसको सरस्वती कहा जाता है। उस सरस्वती को जो जान ले, उस मध्य नाड़ी सुषुम्ना को जो जान ले, कहा जाता है कि वही वेदवित है, मतलब वेद को जानने वाला। उस मध्य नाड़ी को जो जान जाएंगे, मध्य धारा में जो स्नान करेंगे, वे वेद स्वरूप हो जाएंगे, वेद के समस्त ज्ञान उनके अंदर अपने आप ही आ जाता है। कोई वेद को पढ़ लेने से कोई वेदज्ञ नहीं होता है। वेदज्ञ कब होगा? जब मध्य नाड़ी को जो जानेगा वह वेदज्ञ कहलाएगा।
कबीर साहब के जमाने की बात है। कबीर साहब के जमाने में एक बनारस में बहुत बड़े विद्वान थे। अन्य विद्वानों से शास्त्रार्थ करना उनका काम था और इस क्रम में सभी विद्वानों को वो हरा दिया और अपना नाम क्या रख लिया, सर्वाजीत। सभी को जो जीत ले उसी का नाम क्या होता है, सर्वाजीत। अपनी माता के पास जब वो आए, उन्होंने कहा कि अब इस संसार में कोई हमसे बड़ा विद्वान नहीं है, मैंने सबको हरा दिया, मतलब मैंने सबको जीत लिया है। वेद पुराण धर्म शास्त्रों में शास्त्रार्थ करते करते सबको मैंने हरा दिया, इसलिए संसार के लोग मुझे अब क्या कहते हैं, सर्वाजीत। सबको मैंने जीत लिया है, इसलिए माँ तुम भी अब मुझे सर्वाजीत कहकर पुकारो। उनकी माता जी ने कहा, रे ये मुझे विश्वास नहीं होता है, जो कि तुम सबको जीत ले यह मुझे विश्वास नहीं होता है, इसलिए तुम्हारा जो नाम है वही नाम हम पुकारेंगे, सर्वाजीत तुम्हारा नाम हम नहीं पुकारेंगे। बोले क्यों, जब धर्म शास्त्र में सबको मैंने हरा दिया, सबको मैंने जीत लिया, आप क्यों नहीं कहेंगे। बोले ठीक है। उनकी माता भक्तिनी थी और कबीर साहब की कुटिया पर जाती थी, वह कबीर साहब के सत्संग को वह सुनती थी। कबीर साहब के बारे में कहा जाता है, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कबीर साहब न तो स्कूल गए थे, न तो कॉलेज गए थे, न तो मदरसा गए थे। उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैंने आज तक कलम और कागज को छुआ तक नहीं। ऐसे संत के पास जाकर उनकी माता जी सत्संग श्रवण करती थी। उनकी माता ने कहा कि देखो, तुम कबीर बाबा के कुटिया पर चले जाओ, कबीर बाबा से जाकर तुम शास्त्रार्थ करो, यदि उनको तुम जीत लोगे तब तुमको हम क्या कहेंगे, सर्वाजीत। तुमने कबीर बाबा को अभी नहीं जीता है। बोले माताजी, अरे वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, धर्म शास्त्र क्या होता है उसको थोड़े पता है, वे तो कलम कागज भी नहीं छुए हैं, कोई स्कूल कॉलेज भी नहीं गए हैं, किसे विद्यालय में नहीं गए हैं, तो उनको क्या हराना, वो तो मूर्ख है। अरे जो कुछ कथा प्रसंग आता है वो बोलता है, लोगों को सुनाता है, उनको हराना कोई हराना नहीं है। ठीक है, तब भी तो जाओ उनके पास। सर्वाजीत अपने आप को कहने वाले गए उनके पास, कबीर साहब के पास। कबीर साहब से निवेदन किया कि महात्मा, मेरी माताजी ने आपके पास भेजा है। क्यों भेजा है? तो मैंने सभी संसार के विद्वानों को धर्म शास्त्रों में शास्त्रार्थ में मैंने हरा दिया है, इसलिए मेरा नाम अब सर्वाजीत हो गया है, तो मेरी माता इस बात को नहीं मानती है। तो माता जी ने कहा कि कबीर बाबा के पास जाओ, वह यदि कह दे कि तुम सही माने में सर्वाजीत हो गया तब तुमको हम सर्वाजीत कहेंगे। तो बाबा आप शास्त्रार्थ कीजिए हमसे, धर्म शास्त्रों की बात हमसे कीजिए, हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। कबीर बाबा ने कहा, अरे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तुम नहीं जानते हो, मैं तो मात्र सत्संग करता हूं और कुछ मैं काम नहीं करता हूं, नहीं तो मैं कथा प्रसंग करता हूं, नहीं तो यज्ञ करता हूं, नहीं तो यज्ञ कराता हूं, नहीं तो भागवत कथा कहता हूं, नहीं तो और पुराण की कथा कहता हूं, मात्र मैं सदगुरु से जो मुझे ज्ञान मिला है उसी ज्ञान का मैं बखान करता हूं। तो धर्म शास्त्र की बात तो हम जानते नहीं है, मैं संस्कृत तो पढ़ा नहीं, तो तुमसे सत्संग क्या करेंगे हम। मैं तब ठीक है, तो आप लिख दीजिए कि मैं हार गया और आप जीत गए। आप एक कागज पर लिख दीजिए कि कबीर हारा और सर्वाजीत जीत गया।
खेल खेलने के कि कभी साहब हार गए तब तो वो मुझे सर्वाधित कहेंगे। कबीर साहब ने कहा भाई आप क्यों नहीं समझते हैं, तुम लिख लो, मैं लिखने नहीं जानता हूं, यदि मैं लिखने जानता तब तो मैं शास्त्रार्थ करता ही, तुम यही बात लिख दो। सर्वाजी ने कागज कलम निकाला, लिखा क्या, कबीर हारा, सर्वाजी जीता। कागज लेकर चले गए अपनी माता के पास। माता जी ने कहा बेटा आ गया, कबीर बाबा कुटिया पर थे, बोला माँ दर्शन हुआ, तो हाँ दर्शन भी हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ है उनको मैंने हरा कर आया है। अरे कबीर साहब का दर्शन होगा तो तुम धन्य हो गया, ऐसे संत का जब दर्शन किसी को हो जाए तो समझो कि परमात्मा का दर्शन हो गया, सच्चे संत महापुरुष का दर्शन हो गया तो समझिए परमात्मा का दर्शन हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ऐसे संत ऐसे गुरु कौन होते हैं, साक्षात नर के रूप में हरि होते हैं, नर के रूप में परमात्मा होते हैं, परम पुरुष की आरसी संतन की ही देह है। परंतु परमात्मा को तुम देखना चाहते हो तो तुम देख नहीं पाओगे, उनको देखना चाहते हो तो संत के शरीर में उनको तुम देख लो। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। नर के रूप में वो हरि है, सच्चे संत मिल जाए तुम आज धन्य हो गया। बोले माँ वो तो छोड़ो, धन तो हम हो ही गए, तो आज तुमको कहना पड़ेगा कि हम सर्वाजित हो गए। क्यों, शास्त्रार्थ हुई बात। बोले हाँ उनको मैंने हरा दिया, वे तो पढ़े लिखे है नहीं, पहले ही हार मान गए हमसे। बोले नहीं ये बात हम नहीं मानेंगे, कुछ प्रमाण है। बोले हाँ प्रमाण है मेरे पास, क्या प्रमाण है, तो दिखाया कागज। बोले कि हम तो पढ़े नहीं, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ता है सर्वाजित हारा कबीर जीता। बोले ये तो उल्टा हो गया। बोले बेटा तुम तो कह रहा था कि अभी कबीर हारा सर्वाजित जीता, और कागज में लिखा हुआ क्या है, कबीर जीता सर्वाजित हारा, दस्तखत है। बोले अरे दस्तखत तो है नहीं, लगता कि उल्टा लिखा गया, लिखा तो मैं नहीं है लेकिन उल्टा लिखा गया, चलते हैं फिर तुरंत, अभी फिर तुरंत लिखा कर लाते हैं दूसरा प्रमाण पत्र। सर्वाजित फिर गए वो कबीर बाबा के कुटिया पर। कबीर बाबा ने कहा अभी फिर किस काम से आए हैं। बोले बाबा उस कागज में गलती लिखा गया, थोड़ा सुधार कर दीजिए। क्या लिखा है, लेकिन गलती से लिखा गया कबीर जीता सर्वाजित हारा, आप तो हारे हैं हम तो हारे नहीं है, ठीक फिर सुधार कर तुम लिख लो। बोले अब की बार आपको दस्तखत कर देना पड़ेगा। बोले मैं दस्तखत तो नहीं जानता हूँ, ठीक है ठेप्पा लगा दूंगा मैं, ठीक है। सर्वाजित ने फिर सोच समझ कर लिखा, क्या लिखा, सर्वाजित जीता कबीर हारा, और कागज के नीचे में जहां दस्तखत करने का होता है कबीर साहब वहां पर निशान लगा दिए, अंगुली का अंगूठा का निशान लगा दिए, कागज लिए सर्वाजित तो चले घर, माता जी को दिखाए हैं। देखा अब की बार हम टीपा निशान लगा कर लाए हैं, तो क्या लिखा है, फिर वहां पर पढ़ता है सर्वाजित हारा और कबीर जीता। बोले बेटा बिल्कुल सही बात लिखा है, कबीर को कोई हरा सकता है, तुम तो हार गया फिर तुमको सर्वाजित कैसे हम कहेंगे। नहीं माँ ये फिर से गलती लिखा गया, फिर जाते हैं इस तरह से, अब की बार फिर आए हो फिर लिखाए, अब की बार फिर निशान लगा कर ले गए, अब की बार वही पढ़ते हैं वो सर्वाजित हारा और कबीर जीता। तब उसकी माता जी ने कहा पुत्र तुम नहीं जानते हो कबीर साहब कौन है, कबीर साहब कौन है तुम नहीं जानते हो, अभी तुम तो धर्म शास्त्रों को पोथी पढ़कर विद्वान ने बना है, तुम धर्म शास्त्रों को पढ़कर गीता रामायण महाभारत छव शास्त्र भागवत आदि तुम पढ़कर विद्वान बना है, उसे तुम धर्म शास्त्र शास्त्रार्थ करते हो, कबीर साहब वह विद्या नहीं पढ़ा है।
वो तो सदगुरु के पास जाकर ज्ञान लेकर अंतर साधन किया है।